कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आज SNS Productions इन कोलैबोरेशन विद येलो स्पाइडर इवेंट्स आ रहा है कुछ नहीं से बहुत कुछ। ना जाने तुम कब आओगे, गाओगे। नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग कुछ नहीं के इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड में अपना पदार्पण कर रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत प्यार मिला है, बहुत उत्साह भी मिला है, और इसी उत्साह में, इस कुछ नहीं में हम बहुत कुछ करने की कोशिश मात्र कर रहे हैं। इस कोशिश में आज आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं जिन्होंने कुछ नहीं से बहुत कुछ किया है, जिन्होंने अपने जीवन से, अपने कर्मों से कुछ नहीं को बहुत कुछ में बदला है, और हम सब लोगों के लिए आदर्श के रूप में आज हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। हमारी बिनती पर जिन्होंने हमें मान दिया, सम्मान दिया, ऐसे देश नहीं, विदेश नहीं, इस धरती के एकमात्र महान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, जितने भी इनको अलंकारों से मैं विभूषित करूं, ऐसे मेरे बड़े भाई साहब और आप सबके पद्मश्री भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा साहब। प्रणाम भाई साहब, कैसे हैं आप? आशीर्वाद आपका। कुछ नहीं कहूं, कुछ नहीं सुनो। सही बात है। कुछ ना को कुछ नहीं कर लिया। बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब। आज के इस कुछ नहीं के एपिसोड में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मुझे तो नाम बहुत अच्छा लगा, कुछ नहीं। एक कुछ नहीं नाम की विस्की भी होती है। अच्छा। बिल्कुल सही कहा आपने। इंग्लैंड में जी जी वो लोग पार्टी में जाते थे, कहते क्या लेंगे जी, कहते कुछ नहीं, तो उन्होंने कुछ नहीं विस्की बना दी। विस्की बना दी। एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर विस्की। पॉपुलर विस्की, यस यस यस। तो भाई साहब, मैं इस कुछ नहीं की इस श्रृंखला में मैं आपसे एक छोटी सी बात ये जानना चाह रहा था कि इस धरती पर जब भी कोई व्यक्ति आता है, जन्म लेता है मनुष्य के जन्म रूप में, तो वो तो कुछ नहीं होता। बचपन में तो हम कुछ नहीं होते, सही बात, परंतु अपने कर्मों से, आशीर्वाद से, संस्कारों से अपने आप को वो धीरे धीरे बहुत कुछ में परिवर्तित करता है। तो मैं आपसे करबद्ध ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब, आपका ये जो कुछ नहीं से जो बहुत कुछ में परिवर्तन हुआ, वो कैसे हुआ? देखिए, कुछ नहीं होता है इंसान जब पैदा होता है जी। लेकिन सच ये है कि भगवान उस कुछ नहीं के अंदर कोई प्रतिभा डाल के भेजता है। वाह। तो उस प्रतिभा को पहचानना है जी, उसके बाद उसको तराशना है। तराशेंगे नहीं तो चमकेगा नहीं। बिल्कुल सही। वाह वाह। जैसे हीरा है, हीरा तो तभी बिकता है जब तराशा जाता है। सही। तो कुछ नहीं से उसको अपने अंदर देखना है कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा हीरा है जिसको मुझे तराशना है। बस वो पता लग गया तो तराशना शुरू कर दिया हमने। मैं 7 साल का था जी, पिताजी से विधिवत सीखना शुरू कर दिया। पापा जी की तो सीखते सीखते उन्होंने कहा बस मंच पे गाना भी शुरू कर दो। वाह। तो 7 साल की उम्र से मंच पे भी गा रहे हैं। तो मंच पे गाते गाते 60 साल हो गए। बाप रे, तो मैं बड़ा एंटीक सिंगर हूँ। बिल्कुल। 60 साल से गा रहा हूँ वाकई में। ईश्वर बस आपको ऐसे ही हमारे लिए 60 से भी और ज्यादा। और मेरा जो पहला एल्बम रिकॉर्ड हुआ था जी भाई, उसको 50 साल हो गए। वो HMV वाले लखनऊ आए थे रिकॉर्ड करने। अच्छा। तो उस बात को 50 साल हो गए। 50 साल, बाप रे बाप, गोल्डन जुबली तो हो ही चुकी है। 50 साल से हम रिकॉर्डिंग में है और 60 साल से कॉन्सर्ट्स में। कॉन्सर्ट्स में जी भाई साहब। और वैसे मेरी उम्र 25 साल है। हाँ यस, ये तो बिल्कुल कुछ नहीं है एक्चुअली आपकी उपलब्धियों के लिए। उम्र 25 साल। तो भाई साहब, मुझे एक बात ये बताइए कि जब वो आपके पास 50 साल पहले ये रिकॉर्ड करवाने के लिए आए, और जैसे कि आपने अभी पापा जी के बारे में बताया, स्वर्गीय पंडित श्री पुरुषोत्तम जलोटा जी के बारे में, तो उन्होंने आपकी, आपने जैसे हीरे के बारे में एक जो जिक्र किया कि हीरे को तराशने के लिए, तो वो जो हीरा और उसको जो तराशने का जो काम बाबा जी ने शुरू किया, तो वो कैसे शुरू किया उन्होंने? किस उम्र से आपको वो तराशने का काम शुरू किया? वो मुझको एक तानपुरा दे के कमरे में बंद कर देते थे। आहा।
वो कहते थे मैं बाहर से सुन रहा हूँ, 3 घंटे बाद दरवाज़ा खोलूँगा और सिर्फ सा लगाना बस, दूसरा सुर नहीं लगना चाहिए। क्या? और दूसरे दिन बैठा देते थे आज रे गाओ, रे गाओ। एक दिन का गा गाओ बस, मैं बाहर से सुन रहा हूँ और कुछ नहीं गाना। तो इस तरह से उन्होंने सुर बैठाए। वाह, ये तराशा। तो वो सुर जो हैं वो अपना सिंहासन बना के गले में बैठ गए। वाह 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 वाह। ये उनका तरीका था सिखाने का। और जहाँ मैं इधर उधर ज़्यादा मुर्की लेता था तो मुझे डांट देते थे। अच्छा, कि मुर्की से हृदय में नहीं पहुँच पाओगे। वाह वाह। हृदय में सीधा पहुँच जाओ। वाह वाह वाह। तो ज़्यादा मुर्कियाँ नहीं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ठीक है, थोड़ा सा। जैसे किसी लड़की का श्रृंगार किया जाए जी, तो उसके जो बिंदी यहाँ लगती है, और वो बिंदी सब जगह लगा दोगे तो कितनी जल्दी लगेगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अगर किसी को नथनी पहनानी है तो एक ही पहनाओगे ना, सब जगह पहना दोगे तो कैसे। तो कहता है बस मुर्की कहीं कहीं, बाकी स्ट्रेट खूबसूरती आपके गाने की होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि महान कलाकारों के साथ जब हम बैठते हैं तो हमें वो बातों बातों में कितनी बड़ी बात बता जाते हैं। ये हमारे आने वाले और जो हमारे जो गायक इस वक्त इस फील्ड में हैं, इस क्षेत्र में, उनके लिए बहुत बड़ी सीख है कि हमें मुर्कियाँ कहाँ, कैसे और किस लिए लेनी चाहिए। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातों बातों में एक बहुत बड़ी सीख हमें दे दी। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ नहीं से हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, सिर्फ आप लोग चुनते जाइएगा और सुनते जाइएगा। जी भाई साहब, तो उसके बाद आप बताएं कि जब आपको पिताजी ने जब ये तराशना शुरू किया तो आपकी सबसे पहली प्रस्तुति आपकी किस उम्र में हुई? सबसे पहली प्रस्तुति थी, मैं 7 साल का था। वाह। और मैंने ये गाया था जी, ठुमक चलत राम चंद्र, ठुमक चलत राम चंद्र, ठुमक 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 चलत राम चंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत राम। ये पहला गाना मैंने मंच पे गाया था, आज तक गा रहा हूँ 60 साल। तो आपके उस पहले दिन के गायन में और आज के गायन में आपको क्या अंतर लगता है? तब मैं जरा बेटर गाता था, अभी बिगड़ गया हूं। पर भाई साहब, हमें ऐसा लगता है कि हम जब भी आपको सुनते हैं तो आप बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं जैसे तरोताजा हमने आपको कल ही सुना हो। और मेरी इस बात से मेरे जितने भी सुनने वाले लोग हैं इस चीज को जरूर एग्री करेंगे कि हम जब से भाई साहब के जो ये गाने सुन रहे हैं, पहले दिन से जिस एनर्जी के साथ में, जिस उत्साह के साथ में, जिस फ्रेशनेस के साथ में जो भाई साहब ने पहला भजन गाया था या पहली बार जो भी एल्बम था, वो आज भी जब भी वो स्टेज से अपनी परफॉर्मेंस करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग समझ गए होंगे मैं किस गाने की बात कर रहा हूँ। जी हाँ भाई साहब, गरे गा सारे नीसा, ये बात रे सारे नीसा पानी मा, पानी पमा पगा, गरे रे गा सारे गा पदा सारे गा, सारे गा पदा सारे गा रे सारा पगा रे सा, ऐसी लागी लगन, 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 मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बनके जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन। मैं ना कहता था आपको कि जब से आपने सुना होगा तब से, अब भी आज आपने भी आज जब ये पहली बार ये सुना होगा ऐसा लगा होगा कि आपने पहली बार सुना है। इसी उत्साह के साथ में, इसी फ्रेशनेस के साथ में भाई साहब ऑलवेज इस गाने को सुनाते हैं। अच्छा भाई साहब, ये बताएं कि भजन के अलावा हमने आपकी बचपन से बहुत ही इश्किया गज़लें, शराब की गज़लें, विरह की गज़लें भी हमने बहुत सुनी, और गज़ल में आपने कैसे अपना पदार्पण किया, थोड़ा इस बारे में जानना चाहता हूँ। लखनऊ का हूँ। हाँ बिल्कुल, तो रिक्शे वाले, तांगे वाले सब
गजल गाते गाते चलते। यस 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 यस, वाह वाह वाह। तो हम तो बचपन से बेगम अख्तर साहिबा को सुनते रहे लखनऊ। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो उनको ये सुनते थे और गाते थे जी। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ए मोहब्बत। वाह वाह वाह, हो जाए। अंजाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया आया, ए मोहब्बत। वाह 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 भाई साहब, मैंने तो आपको आपकी अपनी जो गजलें हैं वो भी हमें आज भी हमारे कानों में गूंजती हैं, जैसे चांद अगड़ाइयां ले रहा है। चांद अगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी। क्या मोहब्बत है। एक भूली हुई सी कहानी फिर मुझे याद आने लगी है। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। मैं ऐसा समझता हूं दोस्तों के भाई साहब ही एक ऐसे कलाकार हैं, मैं क्षमा चाहता हूं सभी लोगों से, कि जो स्टेज के ऊपर अपनी पूरी प्रतिभा को जब भी वो परफॉर्म करते हैं तो कहीं पर भी वो कसर नहीं छोड़ते, वो चोरी से नहीं काम करते। वो जो भी उनको गुरुजनों से मिला है, जो भी उन्होंने अपने रियाज से किया है, ऑलवेज किसी भी प्रोग्राम में हो, बेशक दो लोग बैठे हों या बेशक 2 लाख लोग बैठे हों, लेकिन जहाँ भी आपने परफॉर्मेंस की है, हम बचपन से आपको सुनते आ रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल उसी हिम्मत के साथ में, उसी जो इनके अंदर जो एक जज्बा है उत्साह का, वो बरकरार रहता है। भाई साहब, इस गज़ल के दौर के साथ साथ में अभी इन दिनों हम आपकी एक और चीज़ और भी हम नोटिस कर रहे हैं कि जिसको आप बहुत इंजॉय करते हैं गाते हुए, खास करके किशोर कुमार साहब के गाने आप बहुत इंजॉय करते हैं। मुझे बहुत पसंद है किशोर साहब जी। चिंगारी चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए। पतझर जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए। वाह वाह वाह, जो बाग, वाह वाह भाई साहब क्या बात, जो आपका बाग, जो बाग बाहर बाहर उजड़े उजाड़े तो उसे कौन बराए, उसे कौन। जो किशोर कुमार साहब के अंदर जो एक अंदाज था शब्दों का, थ्रो का, आप देखिए भाई साहब के अंदर में वही अंदाज है कि चिंगारी कोई भड़के, भाई साहब तो सावन से बुझाए। तो गाने का मजा आता है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप और आप के आपके अंदर एक खास बात यह है कि आप भजन गाएं, गजल गाएं, फिल्मी गाएं, और जी हाँ आप लोगों को बता दूं कि भाई साहब के क्लासिकल एल्बम्स भी बहुत सारे हैं। आप लोगों ने सुगम संगीत में ही आपको बहुत सुना है, सुगम संगीत में भी आपने क्लासिकल चीज़ों को इतना सुंदर ढंग से एडिशनली जो सुनाया है हम लोगों को, रागदारियाँ वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी क्लासिकल चीज़ें भी हैं। पापा जी की कुछ एक हाँ। क्लासिकल चीज़ें जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जाऊं तो पेवारी ना मारो भर पिचकारी, जाऊं तो पेवारी ना मारो भर पिचकारी, जाऊं अब के रंगा सुनेगी नंदिया करन देगी गारी ना मारो भर पिचकारी, जाऊं तो पेवारी बाट चलत मोरी लाज बिगाड़ी सारी, चर्चा करत ब्रिज नारी देखो दे कुंवर कान
सारो ब्रिज जान गयो, यहाँ से यहाँ की यारी ना मारो घर पिचकारी। वाह 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 वाह, क्या बात है। ना मारो घर पिचकारी जाम। वाह 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 भाई साहब, आपकी इतनी सारी विधाएं जब हम सुनते हैं भजन में, गजल में, फोक में, फिल्मी गानों में, क्लासिकल में, आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ नहीं होते हैं आने वाले कलाकार, उन लोगों को आपने जैसे अपने आप को बहुत कुछ में ढाला है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, पहले तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि डिसिप्लिन जीवन में रखें, अनुशासन होना चाहिए। यस, तो डिसिप्लिन में बहुत कुछ आ जाता है कि आप रियाज को समय दें। आपका कोई कॉन्सर्ट होता है तो टाइम पे पहुंचिए, पता लगा प्रोग्राम खत्म हो गया फिर आप पहुंच रहे हैं। बट हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को सही बताना चाहता हूँ, ये बात इन्होंने बहुत सही कही है, विदेश में हो, देश में हो, शहर में हो या कैसा भी प्रोग्राम हो, भाई साहब को अगर आपने 12 बजे का टाइम दिया है, 6 बजे का टाइम दिया है, तो ये आधे घंटे से पहले आप वहां पहुंच जाते हैं ऑलवेज, कितना भी ट्रैफिक हो। वरना हम लोग कहीं जाते हैं तो कहते हैं अरे वो क्या था, जरा ट्रैफिक मिल गया था, फलाना आया नहीं था, लेकिन इनके यहाँ पर ऐसे कोई एक्सक्यूज नहीं, मैं कोई बहाना नहीं बनाता, मैं टाइम से पहले पहुँचता हूँ और ये आदत बनी हुई है। उसमें फर्क क्या पड़ता है, थोड़ा जल्दी पहुँचने में क्या फर्क पड़ रहा है? यही चीज काम में आती है, जिंदगी में काम आती है। बिल्कुल आई। और कोई चीज आने वाले कलाकारों के लिए? आप आने वाले कलाकार थोड़ा फाउंडेशन अच्छी कर लें, क्लासिकल सीखें, शास्त्रीय संगीत सीखने से नींव मजबूत होती है। नींव मजबूत। क्लासिकल सीखने का ये मतलब थोड़ी कि आप क्लासिकल के प्रोग्राम करें। सही बात। ऐसा हम भी तो करते ही नहीं, क्लासिकल प्रोग्राम कहाँ करते हैं। सही कह। लेकिन बीच बीच में क्लासिकल सुना देते हैं। कि भाई देखो ये भी है, ये सरगम है, अलाप है, तान है, वो सब बीच बीच में कर देते हैं। क्योंकि आपने वो किया है। किया है, लेकिन प्योर क्लासिकल प्रोग्राम नहीं करते। तो आपको सीखना सब है, लेकिन उसका उपयोग सही जगह करना। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूँगा कि आपने जैसा कि कहा कि मैं 60 वर्षों से गा रहा हूँ और परफॉर्मेंस भी कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग और सारी चीज़ों में, कोई ऐसा वाकया आपकी ज़िंदगी का जो आपने कहीं दूसरे इंटरव्यू में ना कहा हो और आपको अभी इस वक्त याद आ रहा हो? अभी हुआ था रिसेंटली जी, एक प्रोग्राम था मेरा, ऑडियंस बड़े प्यार से सुन रही थी, तो सामने एक महिला बैठी हुई, उनके गोदी में एक बच्चा रो रहा था। ओ। तो मैंने उनसे कहा बहन जी इसको चुप करा दीजिए। हाँ। तो वो बोली ये भी यही कह रहा है। अब बताइए मैं क्या करूं। देखा दोस्तों, गाने के अलावा इनके अंदर एक और भी विधा है, आप लोग आज इस चीज से भी वाकिफ हो गए होंगे। अपने अपने कमेंट्स नीचे लिखना मत भूलिएगा कि आप लोगों को ये इस वक्त का इंटरव्यू कैसा लग रहा है। जी हाँ। तो खैर, तो भाई साहब अब ऐसा लगता है कि आपने हमारी इस कुछ नहीं की श्रृंखला की पहली कड़ी में आपने इतनी बड़ी हम लोगों को ये दे दिया है कि हम लोग इस चीज को आगे इसको आप आगे बढ़ाइए। और कुछ नहीं बहुत सक्सेसफुल होगा, आप देखिएगा लोग इतना प्यार करेंगे कुछ नहीं को। थैंक यू। क्योंकि सुहानी है ना ये। हाँ, सुहानी रात ढल चुकी है, हमने पहले सुना। यस यस, ये सुहानी और शैलेंद्र जी। हाँ, हमारा SNS प्रोडक्शन है, सुहानी और शैलेंद्र इसे मिलकर कर रहे हैं। आप तो खुद इतने अच्छे गवैये हैं, जब आपका गाना सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार थोड़ा सा मुझे इसमें से। अरे भाई साहब प्लीज प्लीज, इतना अच्छा गाते हैं। ये अभी तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। आपके पिताजी से तो हमने उनके गाने से क्या क्या सीखा है। जी भाई साहब, उनका ही गाना तो हम गाते हैं, रंग दे चुनरिया। वाह वाह, सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। अच्छा याद दिलाया मुझे एक छोटा सा, ये आपकी तरफ से सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। जी जी, रंग दे चुनरिया, 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 शाम पिया मोरी, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, हो रंग दे चुनरिया। हाँ, तो कुछ नहीं का पहला एपिसोड मुबारक हो। मुबारक। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गॉड ब्लेस। तो दोस्तों, आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया और इस आज की हमारी कुछ नहीं की पहली कड़ी को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। आपको कैसा लगा हमारा ये प्रयास,
इस प्रयास को हम लोग आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, आपके एडवाइजेज, आपकी सजेशंस, आप लोग प्लीज़ हमें अपने नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में आप लोग डालें और हमारे इस कुछ नहीं को और आगे बढ़ाने में मदद करें, ताकि हम इस कुछ नहीं से बहुत कुछ कर सकें। तो मिलेंगे आपको कुछ नहीं के दूसरे एपिसोड में। मैं शैलेंद्र भारती SNS प्रोडक्शन की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं, और हमारे बड़े भाई साहब, देश के महान महान और महान गायक कलाकार अनूप जलोटा जी से हम आज्ञा लेते हैं और प्रणाम करते हैं। आनंद करें। जय हो।